आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्रीमियम कीबोर्ड के बारे में। अब प्रीमियम का मतलब ये नहीं कि आपका जेब जो है कम्प्लीटली खाली हो जाएगा, बजट वाला कीबोर्ड है, लेकिन क्वालिटी जो है वो एब्सोल्युटली प्रीमियम क्वालिटी की है। और वो कीबोर्ड है ये है रैपो की तरफ से एक प्रीमियम कीबोर्ड जो एक वायरलेस कीबोर्ड है, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने विंडोज़ के साथ, अपने मैक के साथ, अपने आईपैड के साथ, अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस के साथ या अपने क्रोमबुक के साथ। जी हाँ, इन सारे डिवाइसेस के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी से। वायरलेस कीबोर्ड है, इसको आप वायर्ड कीबोर्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो बात करेंगे इसके बारे में इस वीडियो में, कंप्लीट डिटेल में जानेंगे इसकी प्राइसिंग, इसके फीचर्स और क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसे वाले एक कीबोर्ड में। तो यार क्या हाल है एंड वेलकम बैक टू अनदर यूजफुल एंड हेल्पफुल वीडियो। मैं हूं डीडी आपका यार। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसको अगर लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और अगर यहां पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। स्वागत है आप सबका आई एम डीवाई प्रो यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके पैकेजिंग के बारे में। पैकेजिंग देख के आपको डेफिनेटली लगता होगा कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है। इनफैक्ट इसकी पैकेजिंग को देख के मुझे एप्पल प्रोडक्ट्स की याद आ रही है, जहाँ पे बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है और सामने आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट का सिर्फ आउटलाइन दिया गया है, जो कि इसको एक बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। बॉक्स के इस साइड में आप देख सकते हैं कि ब्रांडिंग है रैपो की, और ये इनका प्रीमियम ब्रांड है जिसका नाम है रैलिमो, और इस ब्रांड के अंदर वो लोग सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं। पीछे की साइड आप देख सकते हैं लिखा गया है रैलिमो और इसका मॉडल नंबर जो है P5। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट की तस्वीर और किस कलर में प्रोडक्ट आ रहा है वो भी देख सकते हैं। फिलहाल मेरे पास जो मॉडल है वो वाइट कलर में है, और ऊपर आप देख सकते हैं कुछ फीचर्स दिए गए हैं इस प्रोडक्ट के। तो आइए इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। अनबॉक्स करने का जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी प्रीमियम है, जैसे आप आईफोन वगैरह अनबॉक्स करते हैं, और इस तरीके से आप इसका ढक्कन जो है निकाल सकते हैं, और अंदर आप देख सकते हैं कीबोर्ड जो कि एक बहुत ही बढ़िया प्लास्टिक में कवर्ड है। इस कीबोर्ड के साथ साथ आपको मिलता है एक यूज़र मैनुअल जो कि काफ़ी मिनिमलिस्टिक है, और आप इसको पढ़ के इसके बारे में और जानकारी जान सकते हैं और इसको कैसे यूज़ करना है ये भी सीख सकते हैं। इसके साथ आपको मिलता है ये एक्सेसरी बॉक्स, जिसके अंदर आपको मिल जाता है ऐसा वाला एक डोंगल। ये एक USB डोंगल है जिसकी मदद से आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने इस कीबोर्ड को अलग अलग डिवाइसेस के साथ, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं रैपो की ब्रांडिंग है। इसके साथ साथ आपको मिल जाता है एक USB A to USB C का केबल जो कि फ्लैट केबल है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो USB C वाला पार्ट है वो एक एंगल्ड USB C है, यानी कि आप इसको आसानी से फिट कर सकते हैं अलग अलग डिवाइसेस के साथ और अपने इस कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं बिना टैंगलिंग वाले इशू के। अब आते हैं कीबोर्ड पे। इसका जो डिज़ाइन है मुझे बहुत यूनिक लगा, बहुत अच्छा लगा। देखने में बिल्कुल पुराने टाइपराइटर की तरह लग रहा है और एक विंटेज लुक आपको देता है, लेकिन विंटेज के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी मॉडर्नाइज डिज़ाइन भी है, खास करके इसके वाइट कलर में। और जो कीज़ है वो स्क्वायर नहीं है, राउंड है, और ये इसको बहुत ही अच्छा फील देते हैं, बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। इसके वेट की अगर मैं बात करूं तो इस प्रोडक्ट में एक अच्छा खासा वेट है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं अपने डेस्क पे तो आप नहीं चाहेंगे कि ये आसानी से मूव हो, और इसको आप सेट कर सकते हैं एक जगह पे और बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं, और आपको डर भी नहीं लगा रहेगा कि ये कीबोर्ड जो है अपने आप खिसकने लग जाएगा। इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे कुछ LED इंडिकेटर्स है जो इसके अलग अलग मोड्स को दर्शाता है, यानी कि कौन सा मोड एक्टिव है ये आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। कीबोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं कुछ फंक्शन कीज हैं, लेकिन ये फंक्शन कीज मल्टीमीडिया कीज भी हैं। इसकी मदद से आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, और वॉल्यूम को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं F12 का बटन है, इसकी मदद से आप स्विच कर सकते हैं विंडोज़ और मैक फॉर्मेट में, यानी कि अगर आपके पास एक मैक है तो आप F12 प्रेस करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ मैक कीबोर्ड, और अगर आपके पास एक विंडोज़ कंप्यूटर भी है तब भी आप प्रेस कर सकते हैं इस F12 बटन को और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ विंडोज़ कीबोर्ड। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक USB-C का पोर्ट, जिसकी मदद से आप इसको चार्ज कर सकते हैं और इसको कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ, और एज अ वायर्ड कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक ऑन ऑफ का स्विच, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है, ताकि आप ये जान सकते हैं कि कब आपका कीबोर्ड ऑन है और कब ऑफ। पीछे के साइड में कीबोर्ड कुछ इस तरीके से नज़र आता है, और यहाँ पे आपको एक प्रोट्रूडिंग डिज़ाइन मिल जाता है जो इस कीबोर्ड को एक स्लांटिंग लुक देता है, जो कि अर्गोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ताकि आप घंटों इस पर टाइप कर सकें और आपको थकान भी महसूस ना हो। अब बात करते हैं कि आप कैसे पेयर कर सकते हैं इस कीबोर्ड को अपने अलग अलग डिवाइसेस के साथ, और कितने डिवाइसेस के साथ आप इसको पेयर कर सकते हैं। सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं, आप इस कीबोर्ड को पेयर कर सकते हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे
5 डिवाइसेस के साथ। जी हाँ, आप इसको पेयर कर सकते हैं 3 ब्लूटूथ डिवाइसेस के साथ। चौथा डिवाइस होगा आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज यानी कि यूएसबी डोंगल, और जो पांचवा डिवाइस है वो है इसका यूएसबी सी कनेक्टर, जिसकी मदद से आप इसको यूज कर सकते हैं एज अ वायर्ड कीबोर्ड। इसको पेयर करना बहुत ही ईजी है, सिर्फ प्रेस करना है फंक्शन का बटन और उसके बाद लॉन्ग प्रेस करना है 1, 2, 3, 4 या 5 का बटन। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्किंग दिया गया है, 1, 2, 3 बटन्स जो है वो ब्लूटूथ वाले बटन्स हैं, और उसके बाद है 4 का बटन जिसपे है 2.4 गीगाहर्ट्ज यानी कि आप पेयर कर सकते हैं इसको इसके यूएसबी डोंगल के साथ, और जो 5th बटन है वो है यूएसबी सी वाला बटन यानी कि आप इसको यूज कर सकते हैं एज अ वायर्ड कीबोर्ड इसके यूएसबी सी वायर के साथ। सो डेमो के लिए मैं प्रेस कर रहा हूँ फंक्शन का बटन और उसके बाद प्रेस करेंगे 1 वाला बटन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे मैक पे इसने रिकग्नाइज कर लिया है इस कीबोर्ड को। मैं कनेक्ट कर दूंगा इस कीबोर्ड को इस मैक के साथ और बड़ी आसानी से मैं यूज कर सकता हूँ इस कीबोर्ड को मेरे मैक के साथ। ऐसे ही मैं पेयर कर सकता हूँ इस कीबोर्ड को मेरे आईपैड के साथ। प्रेस करूंगा फंक्शन का बटन और लॉन्ग प्रेस करूंगा 2nd बटन, और मेरे आईपैड ने रिकग्नाइज कर लिया है इस कीबोर्ड को। इसको कनेक्ट करेंगे और बड़ी आसानी से आप यूज कर सकते हैं इसको अपने आईपैड के साथ भी। अगर आपको स्विच करना है आईपैड से मैक पे या मैक से आईपैड पे, तो सिंपली आपको प्रेस करना है फंक्शन का बटन और प्रेस करना है 1 मैक पे शिफ्ट होने के लिए, और फंक्शन और 2nd बटन आईपैड पे शिफ्ट होने के लिए। अब आते हैं इसके टाइपिंग एक्सपीरियंस पे। जो टाइपिंग कंफर्ट है वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा इस कीबोर्ड पे। काफी अच्छा ट्रैवल भी आपको देखने को मिलता है, खास करके इसके जो सर्कुलर कीज हैं वो एक नयापन लेके आते हैं कीबोर्ड्स में, इन कंपैरिजन टू जो लेटेस्ट कीबोर्ड्स आजकल मार्केट में आ रहे हैं। और जो दूसरी जो अच्छी चीज मुझे लगी है वो ये है कि जो डिस्टेंस है कीज के बीच में वो भी काफी ज्यादा अच्छा मैनेज्ड है, यानी कि आप गलती से गलत की को नहीं दबाएंगे टाइपिंग करते समय। ये कीबोर्ड आपको मिल जाएगा अलग अलग कलर्स में। मेरे पास जो मॉडल है वो है व्हाइट कलर, लेकिन आप इसको खरीद सकते हैं पर्पल, पिंक और ब्लू कलर में। अब आते हैं इसके प्राइसिंग पे। इसकी जो ऑफिशियल प्राइसिंग है वो है अराउंड 11,000 रुपीज, लेकिन आप इसको खरीद सकते हैं ऑनलाइन से एट 6,500 रुपीज। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। इस प्रीमियम कीबोर्ड के साथ आप खरीद सकते हैं इस प्रीमियम माउस को भी, ये भी रैपो की तरफ से है और इसका जो ब्रांड नेम है वो है रैलिमो एयर 1, और बहुत ही बढ़िया प्रीमियम माउस है। इसको मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक दूसरे वीडियो में, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं रैपो के दूसरे प्रोडक्ट्स को जिसको मैंने रिव्यू किया है इस चैनल में, तो आप क्लिक कर सकते हैं इन वीडियोज पे। और अगर आप यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो। मैं आपसे मिलने आऊँगा बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।